गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज की क्लास में अगेन हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स का वेलकम करते हैं, और वो सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ जो रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर मुझसे समझ रहे हैं। देखो, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है और उसके रूल्स ठीक से डिस्कस कर लिए थे। काफ़ी एक वीडियो मैंने फोर्थ पार्ट बनाया था जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई थी। होपफुली आप लोग अपने एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। अब इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब हम लोगों को अब ये सीखना है कि जब कभी भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए हम लोग जाते हैं, बेटा जब कभी भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करोगे, जब कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे एक रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट का क्या है, और उसके बाद उस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है जिसको मैं बैलेंस करने के लिए जा रहा हूँ वो ऑक्सीडाइज हुआ है या वो रिड्यूस हुआ है। तो वो कैसे पता लगाएंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर इस टॉपिक में समझाने वाला हूँ। मैं एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेकर आपके साथ शुरू करूँगा इस टॉपिक को समझाना। तो लेट्स से हमारे पास जिंक की केमिकल रिएक्शन हो रही है 2 moles ऑफ HCl के साथ, ताकि ZnCl2 और H2 का फॉर्मेशन हो जाए। तो मान लो ये केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, और इस केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को ये पता लगाना है कि इस गिवन सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये कैसे पता लगाओगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा देखते हैं कि आप लोग इसको कैसे पता लगा सकते हो। तो देखिए, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स हम लोगों ने बात करी थी, जब भी कोई मेटल या कोई भी सब्सटेंस अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है, इट इज प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जिंक अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि जिंक के ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब जिंक अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर में लिखूंगा 0। इस एंड पर देखो हाइड्रोजन अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, तो यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 0, ठीक है। अब यहां पर HCl है, हम सब जानते हैं कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां पर देखिए ZnCl2 है, यहां पर 2 chlorine है, तो जरा आप जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जिंक का आपने ऑक्सीडेशन नंबर माना X, प्लस क्लोरीन के 2 atom है, 1 chlorine पर -1 चार्ज होता है, और ये पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसलिए इस पर नेट चार्ज 0 होगा। सो एक्स -2 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू +2, मतलब आपके जिंक पर कितना चार्ज है, +2। अच्छा, क्लोरीन पे तो -1 इधर भी था और -1 इधर भी है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसे इंक्लूड नहीं करूंगा मेरी स्टडीज में। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, 2 चीजों में चेंज आ रहा है। पहला आप देखिए हाइड्रोजन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इसी जमाने में +1 हुआ करता था, अब उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आकर 0 हो गया, +1 से 0 हो गया, केस नंबर 1। केस नंबर 2, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले कभी जमाने में 0 हुआ करता था, लेकिन अब वो बढ़कर +2 हो गया, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया। अब एक केस इमेजिन करो, आप लोग फॉर एग्जांपल एक एग्जाम देने गए अपने स्कूल में, और 2 दोस्त हैं, एक अपना नाम रख लो जिंक, एक अपना नाम रख लो हाइड्रोजन। तो आप 2 दोस्त हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, उसमें एक जिंक है एक हाइड्रोजन है, तो जो जिंक है उसके पहले टेस्ट में आए 0 marks, कितने मार्क्स आए, 0, और जो हाइड्रोजन है उसके पहले टेस्ट में आए 1 mark, आउट ऑफ 10 मार्क्स, तो आपके 10 में से 0 है और इसके 10 में से 1 है,
किसके पेरेंट्स ज्यादा धुलाई करेंगे? जीरो वाले की धुलाई ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि दोस्त के प्लस वन तो है, तो तुम तो जीरो लेकर अगर जूते पढ़ना सुताई होना कंपलसरी है आप लोगों की। लेकिन अगले टेस्ट में जब दूसरा टेस्ट हुआ तो हाइड्रोजन के मार्क्स प्लस वन के बाद दूसरे टेस्ट में हो गए जीरो। हाइड्रोजन के मार्क्स प्लस वन से हो गए जीरो और जिंक के मार्क्स हो गए जीरो से प्लस टू। अब किसी ज्यादा सुताई होगी, अब हाइड्रोजन की और ज्यादा सुताई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मम्मी पापा बोलेंगे कि भैया पहले तू प्लस वन तो लाया था, अब तो तू जीरो पे आ गया, तो इसकी ज्यादा सुताई होगी। मतलब आप बताइए किसके मार्क्स कम हुए? हाइड्रोजन के। कितने से कम हुए? वन से जीरो पर आ गया। तो बेटा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाता है उसका हम कहते हैं रिडक्शन हो गया। आ रही है हम लोगों को बात समझ में? जिसके मार्क्स जिसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन से जीरो हो गया उसका कहेंगे रिडक्शन। तो जिसके मार्क्स बढ़ गए जीरो से प्लस टू हो गए उसका ऑटोमेटिकली क्या मानेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। उसका हम लोग क्या मानेंगे? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे एलिमेंट दैट्स ऑक्सीडेशन जब भी किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा हम उसे कहेंगे इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। और जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है यानी उसका पहले से कम हो जाता है हम कहेंगे उसका रिडक्शन। ठीक है। अच्छा एक बात देखो, जिंक का जीरो से प्लस टू हो गया। बेटा जब कभी भी प्लस चार्ज आता है तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? जब कभी भी प्लस चार्ज आता है मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया, इसलिए उस पर क्या चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि जिंक पर कितना चार्ज आ रहा है? जीरो से प्लस टू। मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? उसने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। जिंक रिलीज टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक हाइड्रोजन का प्लस वन से जीरो हो गया, तो हाइड्रोजन का प्लस वन से जीरो हो गया मतलब एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा है। सो वन इलेक्ट्रॉन सॉरी एक्सेप्ट किया है। सो वन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय वन हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो आपके पास कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। तो जब जिंक दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो दो हाइड्रोजन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर टू इलेक्ट्रॉन्स शो करने पड़ेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन के वक्त जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो रिडक्शन के वक्त क्योंकि एक हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए दो हाइड्रोजन लगेंगे ताकि वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। बात समझ में आ रही है क्या? ये चीज हमें समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पता लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसे ध्यान से देख लो, मैं एक एग्जाम्पल आपको और करवा देता हूं। उसके एक एग्जाम्पल और करेंगे। Let's say, Cu plus AgNO से बन रहा है सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, क्योंकि दोनों अपने एलिमेंटल फॉर्म में हैं।
एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, NO3 एक कॉम्प्लेक्स एनायन होता है जिसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 माना जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। अब यहाँ पर देखो कॉपर के पास कितने NO3 है? 2, तो इसका तो -1 रहेगा, तो कॉपर का हो जाएगा इस वाले केस में +2। कैसे? कॉपर का x मान लो, NO3 का -1 मान लो, 2 NO3 है = 0, x −2 +2 हो जाएगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, ठीक है, और सिल्वर का 0। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, सिल्वर का +1 हुआ करता था लेकिन सिल्वर का 0 हो गया है, मतलब सिल्वर का क्या हो चुका है? रिडक्शन। +1 से 0 हो गया बाय एक्सेप्टिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। लेकिन आप ध्यान दे पा रहे हो यहां पर कितने सिल्वर है? 2। यहां पर कितने सिल्वर है? 2। लेकिन +1 से 0 का मतलब क्या हो रहा है? सिल्वर के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहां पर सिल्वर के कितने एटम है? 2। यहां पर कितने एटम है? 2। तो सिल्वर का जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? 2। तो हमें बताना पड़ेगा बिकॉज देयर आर 2 एटम्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए गए। अब अगर ये सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किससे एक्सेप्ट कर रहा होगा? ये 100% हमारे कॉपर से एक्सेप्ट कर रहा होगा, क्योंकि कॉपर का पहला ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब +2 हो गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, नंबर बढ़ गए हैं, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज करने पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ऑक्सीडेशन हुआ है और आपका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट अगर पता लगाना, तो मैंने आप लोगों को बात बताई दी है, एजेंट हमेशा वो काम करेगा जो उसका नाम होगा, लाइक LIC एजेंट LIC करेगा, RTO एजेंट RTO एजेंट आपके लाइसेंस बनाएगा, ट्रैवलिंग एजेंट जो ट्रैवल एजेंट होता है वो आप लोगों के ट्रैवल के लिए वीजा पासपोर्ट बनाएगा। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इट रिड्यूसेस अदर्स। तो यहां पर आप देखो, ये कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है सिल्वर, क्योंकि जब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन सिल्वर एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ऊपर वाले केस में? सिल्वर, क्योंकि सिल्वर खुद रिड्यूस हो गया लेकिन इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सिल्वर का रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि सिल्वर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हैं, सिल्वर इलेक्ट्रॉन किससे एक्सेप्ट किए हैं? कॉपर से, तो कॉपर खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देगा, तो इस वाले केस में जो कॉपर है दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पता लगा सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बहुत मजा आ जाएगा केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में, कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम लोग यही खत्म कर रहे हैं, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर, या आप रेडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई होगी तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की प्रैक्टिस करो। ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट, मैं ऑक्सीडेशन नंबर देख के पता कर पा रहा हूँ, ये आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है, ताकि हम लोग क्लास 12th में इसका बहुत ज्यादा यूजेज मिले। तो मिलते हैं अगले लेसन में, अगले वीडियो लेक्चर में। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग फटाफट इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।